दुर्गेश सिंह अपने प्यारे दर्शकों का स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी हो चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने आपके लिए हिस्ट्री पे बेस्ड ये सीरीज चलाई है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगी। और आज शुरू करते हैं हम सीरीज़ का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। हु एस्टेब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये विलियम कैक्सटन, विलियम डस, विलियम कांट्स, विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन ये मर्चेंट डिप्लोमेट थे और इन्होंने 1476 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इंग्लैंड में की थी। 1476, ये डेट अवश्य याद रखेंगे, क्योंकि ये डेट बार बार एग्जाम में पूछी गई है कि इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना विलियम कैक्सटन ने कब की थी। तो 1476 में इन्होंने प्रेस की स्थापना की थी। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु मार्क्स द अराइवल ऑफ रिनेसा इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में जो रिनेसा पुनर्जागरण का अराइवल किसकी रचनाओं से हमें पता चलता है, किसकी रचनाओं में इसका जिक्र आया है पुनर्जागरण का? तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो हमारे चौसर साहब हैं, इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा कहा जाता है। तो सबसे पहले इन्हीं की रचनाओं में हमें ये देखने को मिलता है, रिनेसा का जिक्र देखने को मिलता है। इन्होंने ही अपनी रचनाओं में इसका जिक्र किया है। तो हमारा आंसर होगा चौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 2 बताया, और ये क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बार बार एग्ज़ाम में, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? तो इंग्लिश पोइट्री का फादर जो हमारा पहले आंसर था, वो ही अब भी है चौसर। इसमें ज़्यादा हम समय नहीं वेस्ट करेंगे। चौसर को इंग्लिश पोइट्री का फादर कहा जाता है। इनके पहले जो इंग्लिश पोइट्री थी, वो इतनी सिस्टमेटिक नहीं थी। इनके आने के बाद इंग्लिश पोइट्री का रूप सुधरा, इसी के कारण इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हूज पोइट्री एक्सपोजेस द इन्फ्लुएंसेस ऑफ रिनेसा इन इंग्लैंड? किसकी पोइट्री में इंग्लैंड में रिनेसा का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि हमारे रिनेसा के मॉर्निंग स्टार कौन हैं, हमारे चौसर साहब। जब रिनेसा शुरू हुआ था, उसी पीरियड में ये थे, और चौसर हमारा आंसर होगा चौसर। ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एज रिनेसा इन्फ्लुएंस्ड मच? कि कौन से एज को रिनेसा ने अधिक प्रभावित किया, कौन सा एज रिनेसा से अधिक प्रभावित था? नंबर 1 एलिजाबेथन एज, नंबर 2 विक्टोरियन एज, 3 क्लासिकल एज, सी अगस्टन एज। तुम्हारा जो एलिजाबेथन एज है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा, और इसको गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि गोल्डन एज लिटरेचर का गोल्डन एज क्या है, तो ये भी हमारा एलिजाबेथन एज है, इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। और इसको
फ्लावरिंग ऑफ पोइट्री, कौन से एज ने इसने इसी एज ने फ्लावरिंग एज ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है, एज ऑफ पोइट्री भी इसी को बोला जाता है। तो हमारा एलिजाबेथन पीरियड है, इसको फ्लावरिंग एज ऑफ पोइट्री के नाम से भी जाना जाता है और गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुक दैट वाज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में रेनेसा से प्रभावित सबसे पहली बुक कौन थी? ऑप्शन ए यूटोपिया 1516, द पावर एंड द ग्लोरी, द कैंटरबरी टेल्स, द टेम्पेस्ट। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन है यूटोपिया, जिसको 1516 में थॉमस मूर के द्वारा लिखा गया था, थॉमस मूर के द्वारा लिखा गया था। और इसमें इन्होंने एक काल्पनिक आइसलैंड के बारे में कहा है, और वर्ड यूटोपिया का सबसे पहले प्रयोग भी इन्हीं के द्वारा किया गया। थॉमस मूर ने सबसे पहले फर्स्ट यूज़र थे, ये यूटोपिया वर्ड के फर्स्ट यूज़र थे, जिन्होंने अपनी रचना यूटोपिया में यूटोपिया वर्ड का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट यूटोपिया, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया है कि थॉमस मूर ने 1516 में यूटोपिया को लिखा था, यूटोपिया की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट मार्क्स एज रिफॉर्म द सोसाइटी एंड रिलीजन, कौन सा आंदोलन था जिसमें समाज और धर्म का सुधार किया गया, ऐसा कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन ए रेनेसा मूवमेंट, नंबर दो रिफॉर्मेशन मूवमेंट, सी रोमांटिक मूवमेंट, डी ऑल ऑफ दीज। अब मुझे लगता है हमारे कुछ साथी कंफ्यूज होंगे कि रेनेसा मूवमेंट होगा या रिफॉर्मेशन मूवमेंट। तो रेनेसा मूवमेंट वो पीरियड था जिसमें लोगों के को अपने बारे में ज्ञान कराया गया, अपनी शक्तियों के बारे में ज्ञान किया कराया गया, उनके अधिकारों के बारे में। लेकिन जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था, इसमें धर्म और समाज के सुधार का आंदोलन चलाया गया, और इसकी शुरुआत मार्टिन लूथर के द्वारा मानी जाती है। मार्टिन लूथर इनके द्वारा सबसे पहले मानी जाती है 1517 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट स्पेशली नोन फॉर मेक रिलीजन फ्री फ्रॉम करप्शन एंड सुपरस्टिशियस थॉट्स, कौन सा आंदोलन है जिसको जाना जाता है धर्म को भ्रष्टाचार और अंधविश्वास के विचारों से दूर करने वाला, ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसको इसके लिए जाना जाता है जब धर्म में भ्रष्टाचार और अंधविश्वासों को दूर किया गया? तो जैसा मैंने पहले ही बताया था, रेनेसा इसमें आता नहीं है, रेनेसा पुनर्जागरण का काल माना जाता है। तो रेनेसा मूवमेंट, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, रोमांटिक मूवमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो मैंने पहले ही बता दिया रेनेसा पुनर्जागरण काल है, लेकिन जो सुधार आंदोलन थे, धर्म सुधार का आंदोलन, हमारा रिफॉर्मेशन मूवमेंट है, इसी में धर्म सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया था, तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट स्पेशली नोन फॉर मेक रिलीजन फ्री फ्रॉम करप्शन एंड सुपरस्टिशंस थॉट्स। तो यहाँ लगता है मुझे ये क्वेश्चन दोबारा से हो गया है, तो आइए पढ़ लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया वैसे इसका आंसर, रिफॉर्मेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट इंग्लिश किंग वाज
डोमिनेटेड बाई, कि जब रिफॉर्मेशन का मूवमेंट था उस समय जो इंग्लिश राजा हुआ करता था वो किसके द्वारा डोमिनेट किया जाता था, किसके द्वारा इसको उसको गाइड किया जाता था। तो जैसा कि आपको पहले ही पता है कि जब प्रोटेस्टेंट धर्म चला था, धर्म सुधार आंदोलन चला, उससे पहले कैथोलिक चर्च का प्रभाव राजा पर रहता था। राजा वही करता था जो कैथोलिक चर्च का पोप होता था उसके अकॉर्डिंग वो काम करता था। तो इसमें रोमन कैथोलिक चर्च हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी वायोलेंट क्लैशेस वर फाउंड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, कौन सी शताब्दी थी जिसमें रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच विद्रोह पाए गए, विरोध पाया गया। तो हमारा 15वीं शताब्दी से रेनेसा की शुरुआत मानी जाती है और 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच हमें झगड़े देखने को मिलते हैं, तो 16th century। इन विच सेंचुरी देयर वाज सीरीज ऑफ इवेंट्स इन इंग्लैंड, वो कौन सी शताब्दी है जिसमें इंग्लैंड में घटना हमें एक के बाद एक घटना देखने को मिलती है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो वो 16th century है जिसमें रिफॉर्मेशन पीरियड चलता है और रिफॉर्मेशन के दौरान इंग्लैंड में बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। वो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन है 16th century। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द अथॉरिटी ऑन इंग्लिश चर्च बिफोर 16th century, जो 16वीं शताब्दी थी उसके पहले चर्च पर किसका अधिकार हुआ करता था। ऑप्शन ए इंग्लिश किंग, ऑप्शन बी इंग्लिश क्वीन, सी कैथोलिक, डी पोप। तो जैसा कि मैं पहले से आपको बताती आ रही हूँ, जो 16वीं शताब्दी थी उसके पहले इंग्लिश चर्च पर पोप का अधिकार हुआ करता था, पोप सर्वे सर्वा हुआ करता था, राजा भी उसी के अनुसार काम करता था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन विच मूवमेंट इन इंग्लैंड द चर्चेज ब्रोक अवे फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ पोप एंड रोमन कैथोलिक चर्च, कि कौन सा आंदोलन था इंग्लैंड में जिसमें पोप को और रोमन कैथोलिक चर्च को उसकी शक्तियों से अलग कर दिया गया। आप भली भांति अब जान चुके हैं कि जो हमारा रिफॉर्मेशन मूवमेंट था वो इसीलिए चलाया गया था कि रोमन कैथोलिक चर्च से और पोप से लोगों को आज़ादी दिलाई जा सके और चर्च को फ्री किया जा सके। तो ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट आंसर नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इवेंट्स विच हैपन्ड इन रिफॉर्मेशन मूवमेंट वर रिलेटेड टू यूरोपियन, जो घटनाएं थीं रिफॉर्मेशन मूवमेंट के दौरान चलाई गई वो किससे संबंधित थीं, कैथोलिक रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट फॉर्मेशन, इंग्लिश फॉर्मेशन और नेक्स्ट नन ऑफ दीज। तो ये सारी घटनाएं किस लिए हुई थी, तो आप अच्छे से जानते हैं कि किसको सुधारने के लिए सारी घटनाएं चली थी। रोमन कैथोलिक जो रिलीजन था उसे सुधारने के लिए ये सभी घटनाएं हुई थी। आंसर नंबर ए। विच मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंग्लैंड, कौन सा आंदोलन है जिसको धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में भी, इंग्लैंड में धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ए प्रोटेस्टेंट, बी कैथोलिक, सी रिफॉर्मेशन, डी रेनेसा। तो आप अब तक समझ गए होंगे हमारा ऑप्शन है रिफॉर्मेशन। इसमें धार्मिक
और समाज सुधार और राजनीति सुधार सभी हुए थे। उस समय राजा को उसकी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था और प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना की गई थी। तो इसको यही पीरियड था जिसमें के धर्म सुधार और राजनीतिक सुधार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिफॉर्मेशन मूवमेंट, इन रिफॉर्मेशन मूवमेंट वन कैन फाइंड द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, द राइज ऑफ कॉमन लॉ, ऑल ऑफ दीज। आंसर नंबर इसमें हमारा ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ था, राष्ट्रवाद का उदय हुआ था और साधारण सामान्य नियम का उदय हुआ था, तो इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्युनिकेशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड आइडियाज अमंग स्कॉलर्स एंड द अपर एंड मिडिल क्लास फाउंड इन विच मूवमेंट, किस कौन सा मूवमेंट था जिसमें कि जो विद्वान थे, उच्च वर्ग के लोग थे और मध्य वर्ग के लोग थे, तो उनके बीच संपर्क पाया गया, एक आपसी जो समानता थी वो पाई गई। तो इसका नंबर ए रिनेंसा, बी प्रोटेस्टेंट, सी रिफॉर्मेशन, डी कैथोलिक। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जो रिनेंसा पीरियड था। रिनेंसा पीरियड में ये कम्युनिकेशन हमको देखने को मिलता था। उस समय समाज तीन वर्गों में बटा था, तीन वर्गों में समाज बटा था, पादरी, कुलीन और तीसरा जो दल वर्ग था उसमें सभी लोग थे, किसान, मजदूर और पढ़े लिखे लोग थे, वकील, डॉक्टर। तो ये तीसरा जो वर्ग था इसी पे सारे कानून लागू होते थे और इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था और कुलीन लोगों के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं था। ना तो ये कोई टैक्स देते सरकार को, केवल ये वसूलते थे, जितने भी टैक्स होते थे वो इसी तीसरे वर्ग पर, थर्ड एस्टेट के नाम से इसको बोला जाता था। तो जो थर्ड एस्टेट था इसी पे सारे टैक्स लगा करते थे और शिक्षित लोग भी थे वो भी इसी वर्ग में आते थे। तो इसी पीरियड इन तीनों के बीच जो कम्युनिकेशन देखने को मिलता है वो रिनेंसा पीरियड में देखने को मिलता है। जो पढ़े लिखे लोग थे, साक्षर थे, पेंटर थे, कलाकार थे, जो पोइट थे, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत किया और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत की। तो ये है रिनेंसा पीरियड। हु स्टूड अप अगेंस्ट द फॉल्स डॉक्ट्राइन ऑफ कैथोलिक चर्च, जो कैथोलिक चर्च की जो मिथ्या उपदेश थे उनके विरोध में किस सबसे पहले विरोध किसने किया था? नंबर ए पेट्रार्क, बी सिसरो, सी वर्जिल, डी मार्टिन लूथर। तो ये मार्टिन लूथर